जितनी इज्जत और पजीराई उन्हें यहाँ मिली है उसके ऊपर जिस किस्म की नमक हरामी का और अब्यूज किया है उन्होंने हॉस्पिटैलिटी को, इसके ऊपर जितनी भी तनकीद उन पर की जाए वो कम है। अब पता चला कि कितने ड्रामेबाज हैं आप जावेद अख्तर साहब, और इतना ही डर है तो आते क्यों हैं? मेहमान बनकर आए, घटिया तरीन बातें करके चले गए। दिल दहल जाता है, आपने 1970 वाली बातें की। जावेद साहब, ये पाकिस्तान ही था कि आप निकल गए, वरना भारत मुखालिफ बयान कोई भारत में बैठकर देता। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था, तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। अब हमारे को पता है कि जो इंडियन एक्टर है कंगना रावत, वो उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रही है कि बड़ी घर में घुस कर मार के आए। कंगना कहती है, जय हिंद जावेद अख्तर साहब, घर में घुस के मारा है। हा हा, सही कह रही है। वो हमारे घर आया, उसने घर में घुस के मारा, हमने उसको तालियों से उसका स्वागत किया। हमारा कोई एक्टर इंडिया जाता है या किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता है तो इनके पास इतना जिगरा, इस तरह की बात करने का हौसला नहीं होता, लेकिन जावेद अख्तर साहब आकर इतनी बड़ी हमें दहशतगर्दी पर तनकीद कर चले गए। ओह माय गॉड, तालियां नहीं बजाओ, वो तुम्हारी बजा रहा है। ये हालत है इस कौम की, ये एक इंतहाई बर्गर तबका लाहौर का। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी का कोई पास ही नहीं है, जिन्हें अपनी वाह वाह करवानी होती है सोशल मीडिया पे, सोसाइटी में जाके वहाँ पर कोई अवार्ड मिल जाएगा। ये वो बॉलीवुड मुनाफिक मुसलमान हैं जिनको पता है कि उनका करियर और उनका लाइवलीहुड इज एट स्टेक, दे वोंट गेट अ जॉब, इनको नौकरी नहीं मिलेगी भाई। लेकिन दोबारा या तो पाकिस्तान नहीं आइएगा, अगर आइएगा तो इज्जत के साथ आइएगा और पाकिस्तान को पाकिस्तान मान के आइएगा। अबे अकल के बुद्धो, उस वक्त तुम्हें पता नहीं चला कि वो बैंड वो तुम्हारी ड्रम बजा रहा है बीट पे, वो भी उसका मजा इंडिया में बैठ के लोगों ने लिया है। मारूफ शायर जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान आते हैं, फैस फेस्टिवल अभी खत्म हुआ है, बड़ा खूबसूरत एक यूं कह लें कि फेस्टिवल था वो, और उसमें फैस साहब को ट्रिब्यूट पेश किया गया। जावेद अख्तर एक बहुत बड़े शायर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, मैं यूं कहता हूँ, बहुत बड़े शायर नहीं है, बहुत बड़ा नाम है जावेद अख्तर साहब का। दोनों में फर्क है और थोड़ी देर में आपको फर्क पता चल जाएगा नाज़रीन। और हम जो पाकिस्तानी हैं, हम बहुत बड़े वो हैं, वो भी मैं कहने नहीं चाहता, मतलब मैं सब पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा। अब मैं आपके सामने वो पाकिस्तानी रखने जा रहा हूं जिन्होंने जावेद अख्तर साहब के सामने ये साबित किया कि वो है। आप समझ रहे हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अल्लाह माफ करे, मेरे मुंह में खाक, मैं अपने पाकिस्तानियों, मैं खुद पाकिस्तानी हूं भाई, मैं प्राउड पाकिस्तानी, मैं अपने पाकिस्तानियों भाइयों के बारे में या बहनों के बारे में ये बात करूं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैं आपके सामने, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू दोज पाकिस्तानीज, दैट वेरी ब्रीड ऑफ पाकिस्तानीज हु लेट देमसेल्फ ह्यूमिलेटेड इन फ्रंट ऑफ अ फॉरेनर, इन फ्रंट ऑफ अ फो, ऑफ समवन हु इज एन एडवर्सरी। गैंड द मकसद है वे कि एक बंदा बाहरों आया, छितर लेके नाल आया, भिजिया छितर, पिघो पिघो के सानू उन्हें मारिया, उन्हें साड़ी लिटरॉल की थी, असी खुले एम बावन नाल लिटरॉल कराई, ऐसे कहे इत्थे भी मार, इत्थे इत्थे भी दो चार सानू ला के जा, मजा नहीं आया, असी कुटैस पवा के फिर असी कहे तू जा, असी उन्हें फुलां फुलां दे हार पाए, असी कहे तू जा, हुण साड़ी बड़ी बिस्ती होगी, असी रज गए, साड़ी इन्नी सानू इस बिस्ती अगले साल दोबारा करावांगे, तू फिर आई, फिर साड़ी बिस्ती करी, फिर असी सानू बड़ा मजा आएगा। हुआ क्या, जावेद अख्तर साहब आते हैं पाकिस्तान, फैस फेस्टिवल में आते हैं, हमने बड़ी उनको इज्जत दी, बड़ा मान दिया, हमेशा देते हैं, इंडियन वैसे भी कोई आ जाए तो हम वैसे ही पागल हो जाते हैं। खैर, वो जनाब फैस साहब ने आके कहा कि जी मुंबई के हमले जो हुए थे ना, उसके करने वाले आपके यहाँ खुले घूम रहे होते हैं और आप लोग कुछ नहीं करते। क्लैपिंग, ओ माई गॉड, जावेद साहब सच पर्ल्स ऑफ विजडम, तालियां बजा रहे हैं आगे बैठ के। वो जो पाकिस्तानियों की खास किस्म की कौम है, दिखाऊंगा आपको, मैंने वो भी बतानी है आपको वो कौन सी ब्रीड है। ओह माय गॉड, जावेद अख्तर साहब, यू नो। अच्छा, वो हुआ, फिर उन्होंने कहा कि देखें, हमने तो नुसरत साहब को या और किसको, तो बाकी जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, राहत को और इनको हमने बुलाया, हमने इनके कॉन्सर्ट्स करवाए, आपने तो लता जी का कभी कोई कॉन्सर्ट नहीं कराया। ओह माय गॉड, सच पर्ल्स ऑफ विजडम बाय क्या नाम है, जावेद अख्तर साहब। ओह माय गॉड, उफ, माइंड ब्लोन। अबे बिस्ती कर रहा है तेरी,
बजा रहा है तेरी। ओ माय गॉड, तालियां नहीं बजाओ, वो तुम्हारी बजा रहा है। ये हालत है इस कौम की, ये एक इंतहाई बर्गर तबका लाहौर का। मैं अधिक लाशमी साहब माजरत के साथ, आप ही ने पाले हुए हैं सारे, इंतहाई बर्गर तबका बैठा हुआ है, जावेद अख्तर बिस्ती कर रहा है और वो तालियां बजा रहा है। भाई कुछ समझ भी है इनमें से 90% को नहीं पता कि मुंबई में जो 2008 में होता हुआ क्या था, 26/11 को पता ही नहीं होगा, उससे बोल दिया ये तालियां बजा रहे हैं। ये बर्गर भी नहीं, ये चीज वाला बर्गर है एलोपिनो के साथ, बल्कि एलोपिनो स्पाइसी होता है, तो बिल्कुल फिक्का बर्गर है, मशरूम वाला बर्गर है ये वो वाले बर्गर बिठाए हुए थे इन्होंने सारी ये BNUNCA वाली क्लास जो होती है, DHA फेस 5 ब्रो। This is the best phase of their life, bro. This was the best phase of their life, bro, because Javed Akhtar was sitting right in front of them. ये इन लोगों की हालत है और ये तालियां बजा रहे हैं। अब पता है कंगना रनावत ने क्या बोला, मैं सुनाता हूं आपको। यार आप देखो यार, उनके उनके सेलिब्रिटीज जो हैं वो किस तरह बात को समझते हैं और हमारे हमारों को। अच्छा मजे की बात है, अब मजम्मत कर रहे हैं। अबे अकल के बुद्धो, उस वक्त तुम्हें पता नहीं चला कि वो बैंड वो तुम्हारी ड्रम बजा रहे हैं बीट पे, वो भी उसका मजा इंडिया में बैठकर लोगों ने लिया है। जावेद अख्तर उस दिन जावेद अख्तर पॉइंट नहीं था, उस दिन जावेद अख्तर म्यूजिशियन बना हुआ था और तुम थे उसके ड्रम, तुम थे उसकी ढोलक, वो तुम्हें बजा रहा था और उसकी जो बीट थी ना उस पर ठुमका इंडिया वाले लगा रहे थे, मजा उनको आ रहा था, तुम्हारी बज रही थी। क्या लोग हो यार। कंगना क्या बोलती है सुनो जरा, मैं सुनाता हूं कंगना क्या कहती है। कंगना कहती है, जब मैं जावेद साहब की पोएट्री सुनती हूं तो लगता है ये कैसे मां सरस्वती जी की इन पे इतनी कृपा है। और आप में समझ आना मतलब मुद्दा मेरे को नहीं पता, लेकिन देखो कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो खुदाई होती है। उन्हें अपनी तरफ उन्हें भी शेर मारे है, खुदाई होती है उनके साथ में। जय हिंद जावेद अख्तर साहब, घर में घुस के मारा है। हा हा सही कह रही है, वो हमारे घर आया, उसने घर में घुस के मारा, हमने उसको तालियों से उसका स्वागत किया,